सो हे गाइस, कैसे हो? सबसे मस्त हो गए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलजी टीवी में प्ले स्टोर क्यों नहीं होता है। तो गाइस, मेरे चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब पहले आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेटवर्क वाले सेक्शन में वाईफाई वाले कनेक्शन पे क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेरा वाईफाई का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको पासवर्ड इसको एंटर कर लेना है, और एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कनेक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कनेक्ट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करना है, और होम बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेब ब्राउज़र पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है www.google.com। यहाँ पे देखिए, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, मैं सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, ये सर्च हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस कुछ दिखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चले आना है, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर लेना है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नो थैंक्स, इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई रहा है कुछ डॉट डॉट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल ऐप, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्ले दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे एप्लीकेशन। तो गाइस, ये हमारा जो टीवी है, इस पर टीवी वाले मोड पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, और इस पर क्लिक कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐप को डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये वाले गेम को मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ, देखता हूँ डाउनलोड होता है कि नहीं। थोड़ा वेट कर लेते हैं हम, इस पर क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये इंस्टॉल वाले सेक्शन पे चले आना है। सो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, और इस पर इंस्टॉल वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे इंस्टॉल करने पे क्लिक करके। सो यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी बनाना है, जो कि मैं इस पर एक वीडियो डाल दूंगा, और इस पर आपको क्लिक कर लेना है, जो कि मेरा ईमेल आईडी है। इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप कर लेना है, और करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको इसको स्क्रॉल कर लेना है, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको टर्न ऑन लेना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो मैं क्लिक करने कर लेता हूँ इस पर। तो मेरे को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई होगा, तो और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये कंटिन्यू टू गूगल प्ले। तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करते हैं, और कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंस्टॉल वाले सेक्शन पे फिर क्लिक करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं इस पर। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, नेटवर्क स्लो इसलिए। तो यहाँ पे दिस ऐप,
तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, दिस गूगल अकाउंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ डिवाइस, मतलब इस जो एल जी टी वी है इसमें कोई भी एप्लीकेशन कार्य नहीं करता। इसलिए कार्य नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई भी स्टोरेज नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना हो तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको वीडियो अच्छी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।